हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव टॉक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बेसिक लेवल क्वेश्चन हमारे जीएफजी के अंदर, जो कि है हमारा क्यू रिवर्सल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, राइट। तो यहाँ पास देखिए, हम लोग उसी को यहाँ पर क्रैक करते हैं इस क्वेश्चन को। एक एक लाइन आपको मैं समझाऊंगा, ड्राई रन करूंगा, सो दैट आप उसको अच्छे से समझ पाए, आप खुद से यहाँ पर कोड लिख सके, राइट। तो यहाँ पर मैंने कोड भी यहाँ पर दे दिया हूँ मैंने आपको, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिए, एक एक लाइन समझिए, उसके बाद खुद से आप यहाँ पर कोड करिए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आपको मजा भी आएगा, राइट। थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ तो और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला। जैसे कि देखिए, एरे के अंदर हम लोग को एलिमेंट्स दिए होते हैं, बोलता है कि रिवर्स करो। सिमिलरली क्यू के अंदर हम लोग को एलिमेंट्स दिए हुए, हमको उसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्यू क्या होता है। होप आपको पता होगा स्टैक क्या होता है, राइट। स्टैक में क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स हमारे फिल होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, अगर हम लोग को उनको निकालना है तो कैसे निकलते हैं, वो टॉप से हम लोग निकलते हैं, राइट। तो वहाँ पास क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, राइट, हमारा यही होता है। लेकिन यहाँ लीफो ही फॉलो होता है वहाँ, और हमारा यहाँ पास क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फॉलो होता है। जो हमारा पहले एलिमेंट्स आया है वही हमारा यहाँ से निकलेगा। बस देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्यू बना लेता हूँ, ये एलिमेंट्स को वापस फिल करता हूँ ताकि आपको और भी विजुअलाइज कर सको आप। तो यहाँ पर देखिए, ये एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले मेरा 4 आया, फिर 3 आया, फिर मेरा 1 आया, फिर 10 आया, फिर 2 आया, और फिर मेरा यहाँ पर 6 आया, राइट। इसको थोड़ा बॉक्स बड़ा करते हैं। ये मेरा क्या है, आपको गिवन होगा, क्यू फंक्शन में पास किया गया है हमारे जो भी हमारे जीएफजी के क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो क्यू, यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख लिया, राइट। मैं एक और यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेता हूँ, इसका यूज़ अभी मैं आपको बताऊँगा। ये 2 और 1 मेरा, ये 3 हो गया, राइट। ये 3 मैंने क्रिएट कर लिया। इसका नाम मैं क्या करता हूँ, इसका नाम मैं वहाँ पर लिखा हुआ, इसको मैं कर लेता हूँ स्टोर। अभी आपको मैं मीनिंग बताऊँगा, अभी थोड़ा समझने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, राइट। तो ये मेरा एक आंसर हो गया, राइट। तो देखिए, ये मेरे एलिमेंट्स है। अब मेरे को क्यू से एलिमेंट्स को निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ये लास्ट एलिमेंट्स पहले निकलेगा, ये सॉरी फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा निकला, ये 3 हमारा निकला, फिर 1 निकलेगा, फिर 10 निकलेगा, 2 निकलेगा, फिर हमारा ये 6 निकलेगा। ये होता है हमारा क्यू। और वही चीज़ मैं बात करूँ स्टैक की, तो स्टैक से अगर आप इसको पुश करोगे, मतलब यहाँ से निकालोगे, सॉरी पॉप करोगे, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ से पहले 6 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 10 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर 3, फिर 4 हमारा निकलेगा। तो यही डिफरेंस होता है स्टैक और क्यू का। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टैक का यूज़ करेंगे एक क्यू को रिवर्स करने में। आप खुद ही सोचो, आप कैसे रिवर्स करोगे बिना कोई अलग से स्टोर करे। कुछ कुछ है आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, थोड़ा आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक स्टैक क्रिएट किया हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक स्टैक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया, क्यू इंट आंसर बनाया, ये एक क्यू बना लिया हूँ मैं, इसी में फाइनल आंसर मेरा स्टोर होगा, क्योंकि आउटपुट हम लोग को एज अ क्यू देना है ना, तो इसलिए मैंने क्यू बना लिया, जो कि मेरा ये वैल्यूज़ को स्टोर करेगा आफ्टर रिवर्सल। और यहाँ पर मैंने एक स्टैक बना लिया, स्टैक स्टोर नाम से मेरा स्टैक है, और ये क्यू तो हमारा गिवन है। तो अब यहाँ पर मैं क्या किया, इंट साइज क्यू डॉट साइज फंक्शन यूज़ किया, और मैं इसका साइज निकल गया, इसका साइज मेरा क्या आ जाएगा, साइज मेरा 6 आ गया, जो कि हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हम लोग चलते हैं इसको, हम लोगों को सबसे पहले इसमें जो हमने एक स्टैक बनाया है उसमें मैं क्या करूँगा, उसको मैं इसको फिल करूँगा। मैं क्या करूँगा, ये 4 है इसको मैं इसमें फिल करूँगा, ये 3 है मैं इसको इसमें फिल करूँगा, ये जो 1 है मैं इसको इसमें फिल करूँगा, ये 10 है इसको मैं इसमें फिल करूँगा, और ये 2 है इसको अगेन मैं इसमें करूँगा, और ये 6 है इसको मैं स्टोर करूँगा इस स्टैक के अंदर। अब मैं इसमें फिल कर लिया, आप खुद ही सोचो अब क्या होगा। तो जैसे कि हमको पता है स्टैक में क्या आता है, जो पहले आता है, सॉरी जो लास्ट में आता है वो पहले निकलता है। तो यहाँ पर 6 मेरा लास्ट में आया, तो इसको मैं पहले यहाँ पर से निकालूंगा, तो इसको मैं निकाल के इसमें रखूंगा, फिर 2 को मैं रखूंगा, फिर 10 को रखूंगा, फिर 1, फिर 3, फिर 4। तो आप देख सकते हैं मेरा रिवर्स हो जाएगा वो, ओके। तो मैं यहाँ पास इस वापस हाइट्रेट करूंगा, तो मेरा ये रिवर्स कहलाएगा। तो यही है हमारा मेथड। तो यहाँ पास हम लोग उसके इसी के लिए मैंने क्या क्या किया, यहाँ पास एक वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले साइज इसका निकाल लिया, जो कि मेरा 6 है। तो वाइल लूप मेरा कब तक चलेगा, मेरे को 6 बार चलाना है, क्योंकि ये 6 एलिमेंट्स है, राइट। मेरे को 6 बार चलाना है, और इसमें मेरे को उसको पुश करते हुए जाना है। तो यहाँ पास मैं किया क्या किया हूँ, 6 बार इसको चलाऊंगा, तो मैं क्या किया, साइज इजेंट इक्वल टू 0, मेरा साइज 6 है। जब तक वो 0 नहीं हो जाता, तब तक इस वाइल लूप को आप चलाते जाओ, और अंदर उसको डिक्रीमेंट भी करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर साइज माइनस माइनस कर लिया। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप, मैं क्यों चला रहा हूँ पहला वाइल लूप, एक जो क्यू है हमारा जो गिवन, उसको आइट्रेट करने के लिए, सो डैट आई कैन पुश सॉरी पॉप डेट एलिमेंट्स फ्रॉम दैट क्यू टू स्टैक। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर किया, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वाइल साइज जब तक 0 नहीं होगा तब तक बस इसको वाइल लूप को चलाते रहो। तो सबसे पहले देखिए, साइज मेरा अभी 6 है, तो 6 तो इक्वल नहीं, तो अंदर मेरा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, स्टोर डॉट पुश, मतलब जो हमारा स्टोर है उसमें पुश कर दो एलिमेंट को, मतलब इस स्टोर में मेरे को एलिमेंट्स को डालने हैं। तो कहाँ से डालना है,
क्यू डॉट फ्रंट से, तो क्यू डॉट फ्रंट का क्या होगा, ये फ्रंट हमारा ये पहला एलिमेंट्स होता है क्यू के अंदर, तो ये मेरा क्यू को इसमें पुश कर दो। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसको यहाँ पुश कर दिया, पहला मेरा हो गया, इसलिए मैंने पहले से ही एरो कर दिया, राइट। तो स्टोर डॉट पुश, स्टोर में से पुश करो एलिमेंट्स को, ओके नहीं सॉरी स्टोर में पुश करो एलिमेंट को जो कि है स्टैक टू फ्रंट, मतलब सॉरी फ्रॉम फ्रंट, तो ये हमारा क्यू डॉट फ्रंट हो जाएगा, ये फोर उसको मैं इसमें पुश कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सॉरी इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट पॉप करूँगा। क्यू डॉट आप बोलोगे पुश कर दिया फिर क्यों पॉप लगाया जा रहा है, तो देखिए हम लोग को अगेन जो आइट्रेशन को चलाने के लिए, आइटेट को ये यहाँ पास लाने के लिए मेरे को पॉप ऑपरेशन करना पड़ेगा, सो डैट मैं अब नेक्स्ट एलिमेंट को ऑपरेट कर सकूँ, राइट। इसीलिए यहाँ पर क्यू डॉट पॉप लगाया जाता है। बहुत सारे लोग को इसमें कन्फ्यूजन होता है, पुश तो कर दिए वो तो एलिमेंट्स वहाँ चले गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जब तक उसको पॉप नहीं करोगे आप तब तक ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, मतलब ये थ्री में आप नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टोर डॉट पुश, वहाँ से इसमें पुश किया एलिमेंट को, फिर इसमें से मैं पॉप कर दिया, तो मेरा अब यहाँ पास आइट्रेशन आ गया, ओके साइज माइनस माइनस किया यहाँ आया, अब मैं इसमें ऑपरेशंस कर सकता हूँ, ये होता है हमारा कहानी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये मेरा हो गया फाइव हो गया, राइट साइज माइनस माइनस, फिर अगेन मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, मेरा फाइव आ गया, तो अभी तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर अगेन ऊपर की तरफ आएगा, ये थ्री में आ गया, तो थ्री से मैं एलिमेंट्स को स्टोर में की तरफ पुश कर दूंगा। स्टोर में पुश कर दो कहाँ से, क्यू डॉट फ्रंट से, तो यहाँ से मैं इसको पुश कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट पॉप, ये थ्री को मैं पॉप कर दिया, और यहाँ पर साइज माइनस माइनस, मतलब अब मैं यहाँ की तरफ आ गया, ओके अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं फाइव कर दूंगा, राइट ये मेरा फाइव हो गया अगेन, सॉरी ये फाइव तो पहले ही हो गया था, अब ये फिर अगेन इससे हो गया, अब यहाँ पर ये अंदर की तरफ जाएगा और ये लूप हमारा चलते जाएगा, ये फोर होगा फिर थ्री होगा फिर टू होगा फिर वन होगा, ये पूरे एलिमेंट्स यहाँ पर चले गए इसके अंदर। अब जैसे लास्ट हमारा जो वाइल लूप चलेगा वहाँ पर, जैसे ही हमारा ये हो गया पूरा पॉप अप हो गया, ये सिक्स यहाँ तक चले गया, अब ये क्या होगा, ये साइज माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो गया जीरो। तो जैसे ही जीरो हुआ तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया कंडीशन, साइज जब तक जीरो होगा तब तक चला जाएगा, सॉरी जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक चला जाओ, मतलब वन तक वो चलेगा और जैसे जीरो हुआ वो, मतलब ये कंडीशन अब सेटिस्फाई कर गया, अब यहाँ पास से हमको यहाँ से निकलना होगा, तो ये मैं यहाँ पास से निकल जाऊँगा, राइट। तो यहाँ पास से मैं इसको निकाल दूंगा और मैं अब ये वाइल लूप की तरफ मैं चले जाऊँगा, अब मेरे को ये वाइल लूप पे वर्क करना है। तो अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, हमने ये वाइल लूप से हमने ये पूरा यहाँ पास स्टैक के अंदर ये क्यू से एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया। अब ये वाइल लूप से मैं क्या करूँगा, इस स्टैक से एलिमेंट्स को निकाल कर मैं इस क्यू के अंदर मैं डालूंगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक मैंने क्यू बनाया जिसमें मैं आंसर को रिटर्न कर सकूं। तो मैंने इस क्यू के अंदर अब मेरे को इस यहाँ से एलिमेंट्स को डालने, तो अब इसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हमारा पहले लूप से हमने क्या किया, हमने क्यू से स्टैक के अंदर पूरे एलिमेंट्स को पुश कर लिया, ओके हमारा लूप जैसे ही कंप्लीट हुआ छः बार हमारा लूप चल गया। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन अगले वाइल लूप चलाएंगे, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब ये स्टोर से हम लोग आंसर वेरिएबल में एलिमेंट्स को हम लोग पुश करेंगे, ऐसा हम लोग पुश करेंगे कि जो हमारा वो रिवर्स ऑर्डर में हो, और फिर उस आंसर वाले क्यू को हम लोग रिटर्न कर देंगे, राइट। तो यहाँ पास हम लोग को अब सिंपल से बस यही करना है कि इसमें से आंसर को हमको यहाँ से पुश करके इसके अंदर डालना, सॉरी पॉप कर दूंगा। तो अब यहाँ पास देखिए, यहाँ हमने स्टैक का हमने क्यों यूज़ किया, स्टैक का हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अब मैं स्टैक से कोई भी एलिमेंट को पॉप करूँगा तो वो कहाँ से पॉप होगा, इसमें तो ये फोर पहले पॉप हो रहा था फिर थ्री हुआ, नीचे से पॉप हो रहा था, लेकिन यहाँ पास क्या होता है, जो पहले आता है वो यहाँ पास लास्ट में निकलता है, राइट, फर्स्ट इन लास्ट आउट चलता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पास क्या करूँगा, यहाँ पास देखिए ये मेरा लास्ट में जाएगा, यहाँ पास ये सबसे पहले ये सबसे लास्ट में आया, मतलब ये मेरा पहले यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पास से ये सिक्स है यहाँ से मैं निकालूंगा। तो यहाँ पास मैंने क्या किया, जब तक मेरा जो स्टोर है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक ये खाली नहीं हो जाता तब तक लूप को चलाते जाओ। तो यहाँ पर मैं वही किया हूँ, वाइल जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाएगा मैं क्या करूँगा, आंसर डॉट पुश, मैं यहाँ पर आंसर में इसको पुश करते जाऊँगा। तो आंसर डॉट पुश स्टोर का टॉप, तो ये मेरा ये टॉप एलिमेंट है, ये यहाँ पास से पुश हो जाएगा, तो ये मेरा यहाँ पास सिक्स आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टोर डॉट पॉप, ये पॉप मैं करूँगा तभी ये यहाँ पास से हटेगा, राइट, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अब ये मेरा यहाँ से पॉप हुआ तो टॉप अप कब कौन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। तो अगेन मैं ऊपर की तरफ आऊँगा, चेक करूँगा क्या ये एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है क्योंकि यहाँ से ये निकल चुका है, तो अब ये टू जो है हमारा टॉप है। तो मैं आंसर डॉट पुश स्टोर का टॉप एलिमेंट ये जो है इसमें पुश करूँगा, तो ये मेरा टू यहाँ चले जाएगा, ओके ऊपर की तरफ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पास आऊँगा चेक करूँगा ये क्या एम्प्टी हुआ, नहीं है एम्प्टी अभी तो नहीं हुआ है, तो ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ से मैं निकालूंगा, ये मेरा 10 हो जाएगा। तो अब मेरा ये भी खाली हो गया, फिर चेक करूंगा क्या ये खाली है, ये तो अभी भी खाली नहीं है, तो ये एलिमेंट्स को अगेन से मैं यहाँ से निकालूंगा, तो ये मेरा यहाँ पास से 1 हो जाएगा, राइट, ये भी मेरा निकल गया।
अब मैं क्या करूँगा, अगेन ऊपर की तरफ जाऊँगा, चेक करूँगा क्या ये अभी एम्प्टी हुआ, अभी भी ये एम्प्टी नहीं हुआ, तो ये एलिमेंट को यहाँ पर से आंसर डॉट पुश कर दो, आंसर में एलिमेंट को पुश कर दो, और कौन से एलिमेंट को, स्टोर के टॉप को, तो अभी स्टोर का टॉप ये है तो उसको यहाँ से पुश करूँगा, तो ये मेरा 3 हो जाएगा। एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा, राइट अब चल रहा है, चलो इतना में हो जाएगा। तो मैं क्या किया यहाँ पास, ये 3 कर लिया। अब मेरा लास्ट में चेक करूँगा क्या ये एम्प्टी हुआ, अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ, ये अभी एक एलिमेंट बचा है, तो आंसर के जो स्टोर है उसका जो टॉप एलिमेंट है उसको यहाँ से पुश कर दो इसके अंदर। तो यहाँ पास मैं क्या कर दिया, यहाँ पास मेरा क्या था लास्ट में, क्या था ये मेरा, सॉरी ये 4 था, राइट इसका रिवर्स ये हो गया। तो यहाँ पास देखिए हमने क्या किया, यहाँ पास से इस एलिमेंट्स को सभी को इसमें यहाँ पास पुश कर दिया, ओके पॉप कर दिया, सॉरी सभी एलिमेंट्स को। और अब देखिए हमारा जो क्यू है, पहले क्यू क्या था और अब क्यू क्या बचा हमारा हुआ, देखिए पहले 4 3 1 10 2 6 था, अब मेरा क्यू क्या हो गया 6 2 10 1 3 4, तो मेरा जो क्यू है वो यहाँ पास से रिवर्स हो गया और ये ऑटोमेटिक हमारा रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर, जो आंसर है मैंने ये बनाया था, देखिए आंसर उसी में मैंने पूरा रिवर्स को रिस्टोर किया, तो मैंने इसको यहाँ पास से रिटर्न कर दिया। तो यही था सिंपल सा क्वेश्चन, होप आपको समझ में आएगा हमने क्या किया, बस एक अलग से स्टैक बनाया जिसमें सभी पहले एलिमेंट्स को स्टोर किया, फिर उस टैग से हमने पुश कर दिया पूरे एलिमेंट्स को किसमें, हमारे आंसर वाले वेरिएबल में, सॉरी क्यू में। तो यहाँ पर से हमारा ऐसा कुछ वर्किंग था, इसका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था मैं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे एक स्टैक और इस क्यू में से कैसे हम लोग एलिमेंट्स को पुश करते हैं, पॉप करते हैं, क्या टॉप एलिमेंट होता है, क्या फ्रंट एलिमेंट होता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चन DSA के प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा हूँ, आप चेक जरूर करिए, मैं कुछ ना कुछ वहाँ क्वेश्चंस पोस्ट करते जाता हूँ जो भी मेरे को अच्छा लगता है और अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं वीडियोस जरूर शूट करता हूँ DSA प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, तो आप उसको एक्सेस करिए और आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे मेरे चैनल के अंदर कॉलेज लाइफ से रिलेटेड। तो चैनल को जरूर बहुत सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, सो दैट सभी लोग इसका मतलब इसको देख सके वीडियोस को, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।